सुखदेव जी महाराज समझाते हैं कि महाराज उत्तानपाद ध्रुव और सुरुचि सुनीत के पास में गए। समय कहाँ, किसे ले जाकर के किस मूड पे किसके सामने झुकने के लिए मजबूर कर दे, ये जानता कोई नहीं है। इसलिए कहते हैं कि नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, क्योंकि सदा ना रहा है जमाना किसी का। अपनी माँ के पैर छुए हैं ध्रुव ने, कहा मैया मुझे भगवान ने दर्शन दिए। तो बोली लाला हम तो तब माने जब तुम हमें भगवान के दर्शन कराओ। बड़ी चालाक सुनीत, उसी मंत्र का जाप किया है तो देखते ही देखते वरदान दिया है सुनीत, कोई वरदान मांगो हमसे, हम तुमसे और तुम्हारे पुत्र की भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं। और उसी समय जवाब दिया है लाला, हे भगवान इतना वरदान दीजिए कि दुनिया में जब भी हम आए तो हमें यही पुत्र और यही पति मिले, और जरूरी नहीं है कि हर जन्म में ही सौत मिले, अगर मिलवे को नंबर आए तो यही सुरुचि बहन मिले, इतना वरदान दीजिए। आधुनिक स्त्री होती तो पुत्रो पति तो मांग लेती और बाद में जब तो जरूर कह देती जब माई सोत बैठी जाके ना काट दे। जनकटी ने हमें बड़े दुख दे, पर भगवान वहां से वरदान दे करके अंतर ध्यान हुए हैं। महाराज उत्तानपाद ध्रुव सुरुचि और सुनीत के साथ में लौट के महलों में चले आए। थोड़े समझदार हुए हैं तो ध्रुव का विवाह किया। इनकी दो पत्नियां थी भ्रमकी और इला, जिनसे चार पुत्र और एक कन्या पैदा हुई, उत्कल विमल कल्प और बक्सर नाम के चार पुत्र, एक रत नाम की कन्या हुई। और महाराज ने शरीर पर बुढ़ापा देखा है तो अपने बड़े पुत्र ध्रुव को राज्य देकर के ये वन में भजन करने के लिए गए हैं। लेकिन अब इतने बड़े भगवान के भक्त ध्रुव, इनके जीवन में भी एक दुख आ गया। क्या दुख आ गया,